नो लॉन्ग इंट्रो, सब कुछ टाइटल और डिस्क्रिप्शन में है. बट बिफोर वी गेट इन टू द रिएक्शन, आई जस्ट वॉन्ट टू विश ऑल ऑफ यू अ बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर. आई हैवंट बीन पोस्टिंग वीडियोज फॉर लॉन्ग टाइम. अभी आई होप टू पोस्ट कंटिन्यूसली अगेन. विद ऑल दैट बींग सेड, लेट्स जस्ट गेट राइट इन टू द रिएक्शन. नाइस लश स्ट्रिंग्स, ब्यूटिफुल. ईमान है कि रात से कह रही आ चुप को तोड़ दे. सरा मदहोश है हाथ जरा हैरान है कि रात से कह रही तकल्लुफ छोड़ दे. Nice. Drum spring so much energy. Beautiful. मुश्किल जरा बिखरना ही आसान है कि रात हमसे कह रहे. Tiny bells and percussion add so much. Nice. Variation in the melody. Nice. Very well done. It's almost like a bridge. Beautiful. Almost chromatic octaves. Beautiful. Very cinematic at the end. Beautiful, beautiful. So yeah, that was the song Nazar Teri Tufan. आई रियली रियली लाइक द सॉन्ग. बहुत चीज़ें हैं इसमें कहने के लिए. छोटा सा ही गाना है, एटलीस्ट ये वाला जो वर्जन एडिट है 2.5 मिनट का ही है, बट इट पैक्स अ पंच. बहुत कुछ है इस गाने में. गाना शुरू होता है स्ट्रिंग्स से, एकदम लश कॉर्ड्स बज रहे हैं स्ट्रिंग पे, थोड़े यू नो बेल्स की आवाज़ें हैं और टॉय टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें हैं जो हाई परकशन में बजती हैं, बट वो एक क्रिसमस का मूड आपको जनरेट कर रही है. बट जब गाना स्टार्ट होता है, गाना एक पापॉन की वॉइस तो है ही, मेलेडी ज़रा एटिपिकल है, बहुत कॉमन नहीं है, बट स्टिल इट इज़ वेरी कैची. उसके बाद गाने का जो प्रोग्रेशन है वो इंटेंसीफाई होता जाता है, विच आई रियली लाइक. बट बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ अरेंजमेंट, प्रोडक्शन एंड कॉम्पोजिशन, लेट्स टॉक अबाउट वरुण ग्रोवर्स लिरिक्स फर्स्ट. सो एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म में इस तरह का गीत लिखना बहुत ही मैं कहूँगा पेचीदा या ट्रिकी काम है, और बहुत ही ब्यूटीफुली उसको निभाया गया है. अगर आप ऊपर से उसको देखेंगे तो इट प्लेज लाइक अ लव सॉन्ग, राइट, लाइक अ रोमांटिक सॉन्ग, बट उसमें बहुत डिटेलिंग है. मुझे अपने घर में रास सा रह जाने दे, तो ये ऑफकोर्स इट्स लाइक अ मिस्ट्री फिल्म, आई एम गेसिंग लाइक अ थ्रिलर फिल्म, आई नो एक्चुअली. सो और उसके बाद रात के बारे में बहुत डिटेलिंग है, और जहाँ तक मुझे पता है दिस इज़ अ स्टोरी दैट हैपन्स इन वन नाइट. सो वो भी सो स्टोरी के साथ एवरीथिंग इज़ टाइड अप, राइट. सो ये पर्टिकुलर गाना जो है, ऑल्दो इट प्लेस आउट लाइक अ रोमांटिक सॉन्ग और यू नो लव सॉन्ग विच इज़ वेरी कॉमन इन हिंदी सिनेमा, ये इसी स्क्रिप्ट से निकल सकता था और वो उसको उसी तरह से लिखा गया है, विच आई रियली लव. Now let's talk about Papon's singing. So
बहुत सारे टेक्सचर्स उन्होंने एक ही गाने में उनको करने मिले. इनिशियली बहुत ही ब्रेथी और सॉफ्ट उनका वॉइस है, एंड बट व्हेन द सॉन्ग स्टार्ट्स गेटिंग मोर एंड मोर इंटेंस और जब ड्रम्स आ जाते हैं तो उनको वॉइस थोड़ा ओपन करके गाने का मौका मिला. एंड पापॉन हैज़ दैट बैकग्राउंड ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक भी, जहाँ पे थोड़ा रॉकिश या पावरफुल बैलेड्स भी वो गा चुके हैं. एंड देन ही हैज़ दिस फोक साइड उनके, जहाँ पे वो एकदम सॉफ्ट गाने गाते हैं, और बॉलीवुड में गज़ल नुमा गीत भी जो कुछ उन्होंने गाए हैं. तो ही इज़ दैट वर्सटाइल काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट. बट यहाँ पर उनको अपना रेंज थोड़ा एक्सप्लोर करने मिलता है, एक्सप्रेसिव होने मिलता है. एंड द कॉम्पोजिशन इज़ इन अ वे दैट प्रीतम ने एवरी टाइम दी हुक आने के पहले जो पोर्शन है द कनेक्टिंग लाइन, वहाँ पे वेरिएशंस है. इवन हुक में भी थोड़े वेरिएशंस है, तो उसको इस तरह से कंपोज किया है कि पापॉन गेट्स टू शोकेस हिज वोकल्स रियली वेल इन दिस सॉन्ग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन, अरेंजमेंट एंड प्रोडक्शन. सो कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है बट स्टिल बहुत इंट्रिकेट है. एक वेस्टर्नाइज वे में कंपोज्ड है, इंडियन बॉलीवुड का स्ट्रक्चर नहीं है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पॉप सिनेमैटिक पॉप बैलेड की तरह इसको आप बोल सकते हैं, उस स्ट्रक्चर में कंपोज्ड है. अगेन जैसे अरेंजमेंट की मैंने ऑलरेडी बात की, ड्रम्स जब आते हैं इट लिफ्ट्स द सॉन्ग अप एंड गिव्स द सॉन्ग अ लॉट ऑफ एनर्जी. उसके पहले स्ट्रिंग्स और पैड टाइप टेक्सचर्स और थोड़े यहाँ वहाँ परकशन के साथ गाना चल रहा है, बट जब ड्रम्स आते हैं द सॉन्ग गेट्स अ बूस्ट एंड द होल डायनामिक ऑफ द सॉन्ग काइंड ऑफ चेंजेस और एक एनर्जी लेवल उसका बढ़ जाता है. लेकिन व्हाट आई रियली लव्ड कॉम्पोजिशन और अरेंजमेंट के पर्सपेक्टिव से कि एक ब्रिज जैसा सेक्शन है ना, जो वर्ड्स भी नहीं है और हुक भी नहीं है, एक ऐसा सेक्शन वो रह जाने दे से शायद बन के एक सेक्शन आता है, और उस सेक्शन के बाद जब गाना इट गोज ऑलमोस्ट लाइक अ क्रेसेंडो टुवर्ड्स द एंड, तब कुछ कॉर्ड जैसे बजाए गए हैं विच आई एम नॉट श्योर, मुझे वापस सुनना पड़ेगा, जो उस की के शायद बाहर हैं और क्रोमैटिक नोट्स बजे जो उसको एक इंटेंसिफाई कर देते हैं, बहुत ही इंटेंसिफाई कर देते हैं, एंड आपको एकदम वो मर्डर मिस्ट्री बट एक हॉलीडे फिल्म की फील और एक सिनेमैटिक फील सब एक साथ आपको वहाँ मिल जाता है. सो आई रियली रियली लाइक दैट पोर्शन. ओवरऑल आई फाउंड दिस सॉन्ग टू बी एब्सोल्युटली वेल डन. ऑल्सो आई वुड लाइक टू मैंशन दैट इट हैज़ बीन रियली वेल मिक्सड एंड मास्टर्ड. एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है, बट जहाँ जहाँ एलिमेंट्स होने चाहिए, जहाँ लेयर्स होनी चाहिए और जिस तरह वो साउंड करनी चाहिए, बेसिकली मिनिमलिस्टिक अप्रोच से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है, एंड दे आर बीइंग रियली सक्सेसफुल एट दैट. सो ओवरऑल आई रियली रियली लव द सॉन्ग एंड डेफिनेटली गोइंग टू लिसन टू दिस अ कपल मोर टाइम्स फॉर श्योर, और अगर बहुत अच्छा लगा तो अपने प्लेलिस्ट में भी इसको ऐड कर दूँगा. सो या आई रियली लव दिस सॉन्ग. सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एज वेल. इफ यू लाइक इट प्लीज लीव अ लाइक, चेक आउट अदर स्टफ ऑन माई चैनल. इफ यू वांट टेल मी एनीथिंग पुट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल लेट मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, ताकि जब भी नया वीडियो ड्रॉप हो आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन आ जाए. विद ऑल दैट बीइंग सेड आई विल टेक योर लीव एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.